अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मोना के किचन में वेलकम। आज हम फज केक बना रहे हैं, चॉकलेट फज केक है। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें ये मैं मैदा ले रही हूँ, 1.5 कप मैदा। ये देखें, 1.5 कप मैदा होगा, 1.5 कप ही कास्टर शुगर है, पिसी हुई चीनी है, ठीक हो गया। और ये 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने मक्खन लिया, ठीक है। और ये 5 अंडे इसमें जाएंगे, और ये कोको पाउडर है, ये 1/2 कप है, 1 टेबलस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, और ये वनीला एसेंस 1 टीस्पून। ये मैं आपको ग्राम्स में भी बता दूं, ये 200 ग्राम मैदा होगा, 200 ग्राम आइसिंग ये शुगर है, कास्टर शुगर 200 ग्राम, 200 ग्राम ही बटर है। ग्राम्स में अगर मैं बता रही हूँ आपको तो ये 200 ग्राम इसमें कोको पाउडर होगा, ठीक है। अगर ग्राम्स में लेंगे आप तो ये चीज़ें यही मेंशन की हैं, इसी तरह ही मैंने। अब इंग्रेडिएंट्स हैं इसकी, अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले हमने एक देचकी ले लिए, देचके को प्री हीट होने के लिए रखेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, ठीक है, लो टू मीडियम फ्लेम पे हो ये। और ये ऐसे ढक्कन हो, ये अंदर रख दें, कोई भी प्लेट हो जाए स्टील की रफ सी तो वो भी रख सकते हैं आप। तो इसको प्री हीट होने के लिए हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हम अपना केक बेकिंग स्टार्ट करते हैं। ये पैन ले लिया, 7 इंच का पैन है, इसको हम ऑयलिंग करेंगे। हल्की हल्की मैदे से डस्टिंग कर रही हूँ। सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे हमने बटर ले लिया, इसको ऐसे स्लाइसेस में काटने के बाद बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। जब ये बाउल में ट्रांसफ़र हो जाए इसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, जो हमने 200 ग्राम बटर, 200 ग्राम शुगर, इनको हम बीट कर लेंगे। ये 3 से 4 मिनट तक हमने इसको चीनी को बटर के साथ बीट करना है। मक्खन और चीनी का बैटर रेडी हो गया। अब इसके साथ ही हम एक एक एड करके इसमें डालते जाएंगे, एक एक अंडा डालेंगे। एक एक मिनट के वक्त के बाद हम पहले बीट करेंगे, एक एग डालने के बाद। शामिल किया, हल्का सा बीट करेंगे। इसमें मैदा हमने छान लिया, वो शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। हम मेजे में बीटर साइड पे करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से इसको इसमें शामिल करते जाएंगे। साथ ही इसमें कोको पाउडर शामिल करेंगे, छान के रख लें। 1/2 कप के करीब कोको पाउडर है, इसको शामिल करके हिलाएंगे। साथ ही हमने बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून शामिल किया। सारी इंग्रेडिएंट्स को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल हो गई हैं, टोटल हमारी इंग्रेडिएंट्स इसमें जा चुकी हैं टोटल। इसको अच्छी तरह स्मूथली मिक्स कर देना हमने। बीटर चलाएंगे थोड़ा सा, इसमें 3 टेबलस्पून मैं लिक्विड मिल्क शामिल कर रही हूँ। ये देखें हमारा स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसी तरह ही स्पैटुले से हिलाते हुए इसको रेडी कर सकते हैं। कोई भी टीन केक पैन ले लें आप। अब इसमें इसको ट्रांसफर करेंगे, हमारा देच का जो है प्री हीट हो गया, हमने 10 मिनट में इसको रेडी कर लिया। इसी तरह ही स्मूथ सा, इसी तरह की होनी चाहिए टेक्सचर। अगर आपको थोड़ा सा सख्त लग रहा है तो यकीनन किसी क्वांटिटी में कोई चीज़ ज़्यादा या कम हो गई है, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लें, जैसे मैंने मिल्क ऐड किया अभी। ये इस पैन में मैंने रख लिया, देखें 7 इंच का पैन है मेरा, 7 और 3 इंच की इसकी मोटाई है, ठीक है। उसमें मैं रखने के बाद इसको टैप करती हूँ, 3 टाइम मैंने इसको टैप करना है,
ठीक है। इसके बाद मैं प्री हीट भेज के मैं इसको बेक होने के लिए रख देती हूँ। गर्म हुआ हुआ पहले से देखें, मैंने इसमें रख दिया। एक घंटे के लिए करीबन 40 मिनट के लिए हमने लो टू, पहले मैंने मीडियम फ्लेम रखना है इसका, देखिएगा। देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं 5 मिनट के लिए इसको रखूंगी, उसके बाद मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दूंगी 40 मिनट के लिए, फिर इसमें आपको दिखाती हूँ। देख लेते हैं, एक घंटा हो गया, ये केक हमारा, हम इसमें टूथपिक ऐड करते हैं। बिल्कुल स्मूथ आया, देखें बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ टूथपिक को। केक रेडी है, इसको हम निकाल लेते हैं। लीजिए जी, ये हमारा केक रेडी हो गया, ये देखिए कितना अच्छा स्पंची रेडी हो गया बिल्कुल, और ये नीचे से अच्छी तरह से कुक हो गया। ये देखिए हम नीचे जो लगाया था हमने इसमें पार्चमेंट पेपर, वो उतार रहे थे, इसको दोबारा इस तरह रख देते हैं। हम इसकी कटिंग करते हैं, एक लेयर बनानी है, कटर स्लाइसर से हम इसको स्लाइस में काट लेते हैं। कटिंग हो गई है इसकी, इस तरह हमने इसकी कटिंग कर ली। अब दो एक्स्ट्रा ये ऊपर वाला हिस्सा हम ये भी काट लेंगे। चलें जी, ये ऊपर से भी हमने इसकी एक लेयर काट ली है, ये देखिए ठीक है। अब हम इनके ऊपर सिरप लगाते हैं। केक की टॉपिंग बनाने के लिए ये हमने टेट्रा पैक क्रीम ली है, ये फ्रेश टेट्रा पैक क्रीम है। रूम टेम्परेचर पे इसको हम मैंने बीट किया है, थोड़ा सा बीटर से बीट करने के बाद 1.5 टेबल स्पून ये मैंने कोका पाउडर इसमें शामिल किया हमने। बीट कर लेंगे, कोका पाउडर करने के बाद बीट कर लिए। ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, आइसिंग शुगर है 4 टेबल स्पून के करीब बनती है ये 1/2 कप के। इसको करने के बाद हल्का सा बीट करूंगा। टॉपिंग रेडी है, हाँ जी। ये बटर आइसिंग बनाने के लिए मैंने ये 200 ग्राम बटर ली है, रूम टेम्परेचर पे बटर ले रही हूँ। और आइसिंग के लिए इसमें जो मैं आइसिंग शुगर शामिल कर रही हूँ, 10 टेबल स्पून आइसिंग शुगर शामिल करूंगी। और साथ ही मैं ये ले रही हूँ कोको पाउडर, कोका पाउडर में 3 टेबल स्पून आप ले लीजिएगा, छान लीजिएगा। इन दोनों चीज़ों को दोबारा से छलनी से छान लीजिएगा, आइसिंग शुगर को, कोको पाउडर को। तो इसको हम बीट करते हैं, हैंड बीटर से बीट करते हैं। इसमें आप कोका पाउडर डाल रहे हैं, कोका पाउडर के बाद ये हमने आइसिंग शुगर इसमें शामिल करते हैं। हमने इसमें लेयर लगा दी, दूसरा पीस हम इसके ऊपर रखेंगे। डेकोर करेंगे। चॉकलेट फज केक हमारा रेडी है। लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब प्लीज। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।